स्विच डॉट एच टी एम एल, ठीक है, स्विच डॉट एच टी एम एल आज ये करेंगे हम। इसमें क्या होता है कि ना मल्टीपल कंडीशन को रन करा सकते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास ना एक ना सर्च बार है, मुझे एक सर्च बार बनाना है और सर्च बार में ये देना है कि कोई गोवा डाल दे तो गोवा के जितने भी होटल है वो ओके आ जाए, ठीक है। तो मैंने देखो क्या करा, यहाँ पे चार डिप बना लिए बस, ठीक है, हैश टैग बॉक्स, ठीक है, और इसी की मैंने कॉपी कर ली, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। एक का नाम रखा मैंने यहाँ पे गोवा, एक का नाम रखा मैंने मनाली, एक का नाम रखा बाली और एक का नाम रखा आगरा, ये इंडोनेशिया की जगह है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गए, चार ऐसे बॉक्सेस आ गए, ठीक है। इन चार बॉक्स के अंदर हमने चार बॉक्स और रख लिए डॉट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस बॉक्स दो बॉक्स तीन बॉक्स चार बॉक्स, ठीक है, यही चार बॉक्स को मैंने कॉपी कर लिया और चार बॉक्स को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, चार बॉक्स को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और इन चार बॉक्स को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो डॉट बॉक्स है इसकी विड्थ जो हो जाए वो 20% हो जाए, ठीक है, इसकी हाइट हो जाए 200 पिक्सल हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड कलर और इसके अंदर हमारे पास फ्लोट लेफ्ट लग जाए। अभी हमारा आउटपुट देखो कैसा आ रहा है, ये ऐसा कुछ बॉक्सेस बन के आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। क्या वो स्पेस आ रहा है ना, वो ज़्यादा बॉक्सेस बन रहे हैं ना हमारे, तो वो इसलिए आ रहे हैं। तो चलो हमने क्या करा, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दे दिया इसके अंदर, मार्जिन 10 पिक्सल, तो यहाँ मार्जिन दिख रहा होगा, अब यहाँ पे बॉक्सेस आ गए, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जो गोवा के अंदर जो बॉक्सेस है, हैशटैग गोवा के अंदर जो डॉट बॉक्स है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो, जो मनाली के अंदर है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो, मनाली के अंदर जो बॉक्स है उसका बैकग्राउंड क्या हो, ब्लू हो, उसका हो ब्लैक हो, ठीक है। और एक और था हमारा बाली, बाली का बैकग्राउंड कलर जो हो जाए वो हो जाए हमारा ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, और एक और है हमारा बाली के बाद कौन सा था, आगरा, आगरा का जो बैकग्राउंड कलर हो जाए वो हमारा रेड हो जाए। तो मेरे पास चार अलग अलग बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं अब, ठीक है, इसका कलर मैंने ये दे दिया, तो चारों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जब कोई आगरा सर्च करे तो आगरा वाला बॉक्सेस आए, तो मैंने क्या करा यहाँ पे लिख दिया, इस बॉक्स को कर दिया मैं, इन सबको कर दिया मैं डिस्प्ले नन, किसको, हैशटैग गोवा को भी कॉमा हैशटैग मनाली को भी कॉमा हैशटैग बाली को भी और हैशटैग आगरा को भी। तो ये चार बॉक्स थे हमारे, चारों को मैंने क्या करा डिस्प्ले नन कर दिया, ठीक है। अब मुझे ना एक सर्च बार चाहिए, ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च बार बना लेते हैं, एक इनपुट टाइप सर्च सर्च, ठीक है, यहाँ हमने सर्च लिखा इसे बंद कर दिया, यहाँ सर्च बार आ गया। एक मैं सबमिट का बटन भी बना लेता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट, इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है आगरा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक आईडी या नेम आईडी दे दी इसकी और आईडी में लिख दिया मैंने इसका नाम डाटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक नीचे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट लगा दी स्क्रिप्ट, ठीक है, और हमने लिखा यहाँ पे कि जो हमारा डाटा है लेट डाटा किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम जो है वो क्या है
सर्च है उसकी वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। नहीं उसकी वैल्यू नहीं, आईडी का नाम क्या है, डाटा, डाटा की वैल्यू के बराबर होगा। तो हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पे, किसको डिफाइन किया, इस वाले को, ये इसको, इसको डिफाइन किया इसमें, ठीक है, डाटा के अंदर। अब मैं चाहता हूँ जी अगर सर्च करे तो हमारे पास देखो जैसे इफ एल्स कंडीशन थी वैसे ही एक है स्विच कंडीशन, स्विच कंडीशन। इसमें मल्टीपल केस डाल सकते हैं हम, तो यूँ लिखते हैं स्विच ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा हमारा डाटा वैल्यू। अगर मैं चाहता हूँ कोई अगर वैल्यू डाले गोवा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपने इसके नीचे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है, गोवा, तो डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक, बंद कर दिया। इसी की कॉपी कर ली हमने और पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने गोवा के बाद डाला दूसरा मनाली, मनाली, तो मैंने मनाली को क्या करा, यहाँ पे मनाली को ब्लॉक कर दिया, मनाली को ब्लॉक कर दिया। फिर ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक और डाला इसके अंदर, इतना समझ में आ गया, आगरा, आगरा को भी मैंने क्या करा, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। और एक और बार ले लेते हैं, लास्ट कौन सा था, बाली, बाली को डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, सेट हो गया, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ डालना है तो डिफॉल्ट में आप यहाँ पे कुछ, मैं अलर्ट लगा देता हूँ, अलर्ट लिख देंगे, इसमें लिख दिया टाटा नॉट फाउंड। मतलब इसके अलावा कोई सर्च करेगा तो क्या हो जाएगा, डाटा नॉट फाउंड आ जाएगा। चेक करते देखो, और ये सब चीज़ आपको चलेगी जब हमारा कोई फंक्शन चल रहा होगा, तो इन सबको हमने क्या करा, एक फंक्शन के अंदर कॉल करा दिया। फंक्शन इसका नाम दिया हमने F1, और इसको हमने यहाँ पे कहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ हमने बंद कर दिया इस तरीके से, ठीक है। सेकंड अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे फंक्शन चला देते हैं, ऑन क्लिक पे F1 फंक्शन चला देते हैं ऐसे, ठीक है। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखो सबसे पहले कौन था हमारा, सबसे पहले था गोवा, जैसे मैंने गोवा डाला तो गोवा के बॉक्सेस आ गए, आ गए, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, मनाली डाला तो मनाली के बॉक्सेस आ गए, समझ में आया। और अगर इसके अलावा मैं कुछ और डालता हूँ, जैसे मैंने क्या कर डाला, जयपुर डाल दिया, जयपुर था नहीं हमारे पास, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक करने पे डाटा नॉट फाउंड लिखा आ रहा है, ओके कर दिया, ठीक है, आया समझ में। तो लाइक जो भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाटा डालूंगा तो वो आ जाएगा इस तरीके से। मैं चाह रहा हूँ कि ना यहाँ पे ना एक वो भी हो ड्रॉप डाउन, उसमें ना लिखा हो रेड ग्रीन ब्लू, मैं जब रेड को चूज करूँ तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। जैसे कई कई देखा होगा आपने, डार्क थीम पे क्लिक कर दो डार्क थीम हो जाती है पूरी, और लाइट पे कर दो लाइट थीम हो जाती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब कोई यहाँ पे चूज करे डार्क तो डार्क हो जाए, लाइट करे तो लाइट हो जाए, ठीक है। वो भी स्विच कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक ड्रॉप डाउन बना लिया। कैसे बनाते हैं ड्रॉप डाउन, सिलेक्ट से उसके अंदर मैंने लिख दिया ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन को बंद कर दिया, ठीक है। ऑप्शन में जो वैल्यू होती है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इसके अंदर मैंने रेड लिख दिया और यहाँ लिख दिया रेड, ठीक है। एक और ले लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ ब्लैक, और यहाँ लिख दिया मैंने ब्लैक, ब्लैक, रेड और ब्लैक दोनों लिख दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाह कह रहा हूँ कि ना अगर कोई इसकी आईडी देते हैं, इसके आईडी का नाम दे दिया मैंने डाटा, नहीं इसका नाम दे दिया मैंने बीजी, ठीक है, या चेंज कलर दे दिया मैंने, चेंज कलर, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, मैं चाहता क्या हूँ कि ना लाइक अगर कोई ना एक बार चेक देखता आउटपुट कैसा आ रहा है, तो ऐसा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ जब रेड पे कोई क्लिक करे तो रेड कलर का बैकग्राउंड पीछे हो जाए, ब्लैक पे करे तो ब्लैक कलर हो जाए। एक और ले लेते, चूज कलर कहाँ पे, वो एक और ले लेते चूज कलर, इसे खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पे रख देते चूज कलर, ठीक है।
आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन चलाते हैं। अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, इसको इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए एक फंक्शन चलेगा, ऑन चेंज फंक्शन। ऑन चेंज इसमें हमने F2 फंक्शन चला दिया यहाँ पे। अब हम आते नीचे, अब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो हमने क्या करा, फंक्शन में यहाँ फंक्शन बनाया पहले F2, और यहाँ पे हमने उसकी आईडी क्या दी थी, चेंज कलर ना, तो यहाँ लिखा हमने लेट सीसी नाम दे दिया इसका, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या था, चेंज कलर, उसकी वैल्यू, मतलब जो भी उसमें लिखा हुआ है ना, वैल्यू वैल्यू कौन सी लेके चल रहा है, वो ये वाली वैल्यू लेके चलेगा, ये वाली जो रेड और ब्लैक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमने लिखा यहाँ पे सी सी, यहाँ चेंज कलर और वैल्यू, और यहाँ पे लिख दिया हमने स्विच कंडीशन, स्विच यहाँ पे लिख देंगे। स्विच के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी सी वैल्यू अगर क्या होती है, रेड होती है, अगर वैल्यू रेड से मैच करती है तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं उसके भी आईडी दे दूंगा, बीजी नाम दे दूंगा उसका, बीजी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू रेड हो जाए। आया समझ में? ये बीजी क्या है, ये बीजी मैं यहाँ पे दे दूंगा ऊपर, इसको देता हूँ बॉडी को, बॉडी की आईडी बीजी, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, हो गया रेड, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, ये भी काम कर रहा है, मनाली, मनाली भी काम कर रहा है, दोनों चीज काम कर रही है, समझ में आया? अब मैं चाह रहा हूँ ग्रीन करे तो ग्रीन हो जाए, देखते जरा। तो देखो रेड पे क्लिक किया तो रेड हो गया, ग्रीन पे क्लिक किया तो ग्रीन, ब्लैक पे सॉरी ब्लैक, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो देखो रेड पे क्लिक किया तो रेड हो गया, ब्लैक पे क्लिक किया तो ब्लैक हो गई स्क्रीन, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ किसी और पे सिलेक्ट करे तो ना क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए वापस, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या करता है, अगर इन कंडीशन मैच नहीं करती तो डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, और हर एक कंडीशन के बाद क्या करना है, ब्रेक करना है ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसी को यूज किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम बीजी डॉट वाइड, हाँ ठीक है, रेड ब्लैक और वाइट, आगे समझ में? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कंडीशंस लगा सकते हैं स्विच केस के थ्रू। मैं चाहता हूँ कोई किसी ने राजन डाला तो राजन का कितना मार्क्स है वो आ जाए, अंकित डाला तो अंकित का मार्क्स आ जाए, पता चल जाएगा तुम्हें कैसे करना है, क्या करोगे उस सेक्शन में उसकी रिपोर्ट कार्ड दिखा दोगे, अंकित, अंकित सर्च किया तो अंकित अगर केस मैच करता है, केस कहाँ पे हमारा ये रहा, अगर केस यहाँ मैच करता है तो अंकित करेगा तो अंकित की रिपोर्ट कार्ड आ जाए, दीपक करे तो दीपक की रिपोर्ट कार्ड आ जाए। तो आप इस तरीके से लाइक अलग अलग क्या कर सकते हो, केस बना सकते हो। अच्छा देखो अब W3 स्कूल पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने डाला स्विच केस इन जावास्क्रिप्ट, ये हर किसी में होता है, PHP में भी होता है, जावास्क्रिप्ट में भी होता है, सी लैंग्वेज में भी होता है, सब में एक ही जैसे काम करता है। तो देखो द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, द स्विच स्टेटमेंट यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट ऑफ द मैनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूट। ये क्या करता है, पहले इसकी कंडीशन चेक करेगा, फिर इसकी कंडीशन चेक करेगा, फिर इसकी कंडीशन चेक करेगा, इस तरीके से ये काम करना, एक काम करना उधर राउंड मार के आना, वो दो बच्चे जो कर रहे हैं ना उनसे पूछना कि क्या काम करा, क्या कराया सर ने, ऐसे पूछ, और कुछ दिक्कत आए तो बता देना। तो समझ में आया, इतना लेट क्यों आते हो,
होती है। अब देखो हमारे पास क्या है, इसने देखो कैसे करके दिखा रखा है, इसने ना आज बता रखा है थर्सडे है, ठीक है थर्सडे। इसने क्या करा, इसने स्विच के अंदर ना ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है डेट, वो लगा दिया, ठीक है। स्विच के अंदर एक इसने क्या करा, एक लेट डे बनाया, और इसने क्या करा यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया गेट डे। तो इसमें इसने बोला कि जो जो अब इसे पता है इतना कि इसे ज़्यादा नहीं पता, इसको ये पता है कि जीरो जो होता है वो स्टार्ट होता है, यानी जीरो से स्टार्ट होता है। तो इसने बोला अगर केस जो है वीक जो है वो जीरो से स्टार्ट हुआ है तो संडे होगा, अगर वन होगा तो मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, टुडे इज थर्सडे, ठीक है समझ में आया। तो लाइक हम अगर हमें ये दिखाना है अपनी वेबसाइट पे कि आज थर्सडे है, मंडे है, ट्यूसडे, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, स्विच केस का यूज कर सकते हैं। देखो वही सेम चीज करी इसने, बस इसने क्या करा यहाँ पे केस हम वैसे लिख रहे थे, नंबर से दिखा दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे क्या करेगा न्यू, यहाँ पे डेट इसने डिफाइन कर दिया कि जो स्विच है वो डेट डेट के बराबर होगा, डे के बराबर में। तो अब अगर हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि ना मुझे कोई ऑफर देना है कि लाइक आज क्या है थर्सडे है तो मुझे 20% डिस्काउंट रखना है, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही थर्सडे ख़त्म हो जाए तो वो अपने आप डिस्काउंट डिस्प्ले नन हो जाए, तो आप क्या करोगे, आपने क्या करा यहाँ पे एक सेक्शन दिखा दिया कि आपका क्या है यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, अभी आपने ब्लॉक करा रखा है, ठीक है। आप चाहते हो कि ना यहाँ पे लाइक आप इसमें सेट कर दोगे कि अगर केस क्या है, देखो मैं इसमें दिखाता हूँ, अगर आज केस क्या है हमारा थर्सडे है, तो मैं चाहता हूँ कि जब अगर थर्सडे केस हुआ तो क्या हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर जो स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज कलर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बॉडी का आईडी लगा दी बीजी, और यहाँ लिख दिया मैंने केस, ये सब हटा रहा हूँ मैं, थर्सडे वर्सडे ये सब हटा रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, थर्सडे ना कहाँ है वाली ये वाला केस आज, तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, और यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, कौन सा था, बीजी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू ऑरेंज दे दिया यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है, और बंद कर दिया यहाँ पे। अब चेक करें क्या हो रहा है, रन करके देखते हैं, तो देखो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है। तो आप ऐसे अलग अलग दिन पे अलग अलग कलर थीम या अलग अलग ऑफर चला सकते हो, ठीक है। तो ये लाइक हमारा काफ़ी काम आता है स्विच कंडीशन, थर्सडे भी लिखा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे फिर इसे कॉपी करके यहाँ पे थर्सडे लिख दोगे, ये दोनों कंडीशन काम करेगी। तो एक केस के अंदर हम जितनी मर्जी आए उतनी कंडीशन चला सकते हैं। अब रन करके देखो तो थर्सडे भी प्रिंट हो रहा होगा, टुडे इज थर्सडे, और ये भी प्रिंट हो रहा होगा, तो मतलब एक केस के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब में सेम काम करता है, जावा में भी देखोगे तो जावा में भी सेम काम करेगा। इसका काम क्या है कि मल्टीपल कंडीशन बहुत जगह यूज कर सकते हैं इसको। अभी जब अभी मैं ना एक क्लाइंट का मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, उसने क्या कहा था मुझसे कि ना मैं ना ऐसा प्रोग्राम चाहिए मुझे बस जावा से कि ना लाइक कोई सर्च बार में ना अगर कोई जैसे एप्पल डाले तो मेरे पास एप्पल की PDF हो, वो एप्पल की PDF डाउनलोड हो जाए, ठीक है। अगर किसी ने क्या करा वो डाले जैसे क्लास 6 डाले तो क्लास 6 की PDF हो, क्लास 6 की PDF डाउनलोड हो जाए। अब ये भी दिक्कत है क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ तो काम कर रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे अच्छा अभी यहाँ यहाँ क्या कहता मैंने अभी कुछ डाला था ना, अच्छा यहाँ डालता मैंने गोवा डाला था, गोवा। तो गोवा डालने पे क्या हो रहा था, सबमिट करने पे गोवा के जितने भी होटल होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। पर मैं चाह रहा हूँ कि ना गोवा ना मैं कैप्स लॉक में लिखूँ ऐसे, तो हमने क्या करा सबमिट किया तो देखो ये डाटा नॉट फाउंड बता रहा है। तो आप चाहो तो ना अलग अलग अल्फ़ाबेट में भी वो वैल्यू दे सकते हो, एक केस को आप कितनी बार भी डिफाइन कर सकते हो। कॉपी किया पेस्ट कर दिया यहाँ पे, सॉरी ये गोवा हो गया, इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे, हमने GOA कर दिया ऐसे। तो अब क्या हो गया, अब ये इसको भी मैच करके चलेगा, इसको भी मैच करके चलेगा। मैं चाह रहा हूँ पूरा कैप्स लॉक में भी हो जाए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा गोवा पूरा कैप्स लॉक में लिख दिया ऐसे, तो नीचे एक ही रहेगा हमारा।
तो देखो तीनों केस में अब काम करेगा। हाँ तो मल्टीपल केस चला सकते हो। देखो मैंने सबमिट लिखा तब भी आ रहा है, ठीक है, ऐसे लिखा तब भी आ रहा है, तब भी सेम काम कर रहा है, पर अगर मैं इसके अलावा कुछ भी लिखता हूँ तो नहीं काम कर रहा, ठीक है। पर मनाली के केस में मैंने ऐसा करा नहीं, तो मनाली के केस में देखो मैं ऐसे लिख दूँ अगर मनाली, तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। आगे समझ में? तो इस तरीके से लाइक हम स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी जगह काम आता है ये। जैसे कि आपको ये सेक्शन करने हैं कि आपको होटल की फिल्टरिंग करनी है कि इतनी यहाँ यहाँ होटल है, यहाँ 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 रूम है, तो वो सब चीज़ें आप इस तरीके से करते हैं। जैसे आपने देखा होगा 99 acres, तो उसमें क्या होता है कि ना एक ड्रॉप डाउन होता है कि आप जैसे इस पर क्लिक करोगे सेक्टर 15 पे, तो सारे सेक्टर 15 वाले ही दिखाएंगे। तो वो सब चीज़ें फंक्शनलिटी जो होती है वो हमारी स्विच केस के थ्रू होती है। तो हम इसमें मल्टीपल चीज़ें सेट कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह यूज़ हो जाएगी। तो ये काम करता है स्विच केस। ब्रेक क्या है, एक डिफॉल्ट कीवर्ड है, ठीक है, जो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक अलग अलग कंडीशन को यानी ब्रेक करने के लिए करता है। जैसे एक कंडीशन आपने दे दी, ये देखो वर्क किस तरीके से करता है ये, लाइक इसने क्या करा, पहले ढूंढा इसको, ये मैच करा नहीं करा कोई बात नहीं, फिर मनाली को ढूंढा, फिर वो मैच नहीं करा तो फिर इसको ढूंढा, फिर ये ब्रेक करके दूसरे को ढूंढा, फिर सब कुछ नहीं मैच किया तो इसने डिफॉल्ट वैल्यू को चूज़ किया। जैसे कभी कभी हम कुछ सर्च करते हैं तो 404 पेज आ जाता है ना, वो 404 पेज का मतलब यही होता है कि हमने सर्च किया, जैसे मैंने इस वाली वेबसाइट में लगा रखा है ITUAPT.org, मैंने यहाँ पे ना कुछ भी डाला, एंटर मारा, तो यहाँ देखो 404 पेज आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ना ये पेज हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आप इसके इसलिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो फंक्शनैलिटी का काम करता है ये, इफ एल्स एल्स की तरह ही है, सिमिलर इफ एल्स की तरह ही है, बस इफ एल्स में क्या होता है एक ही कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे किसी का रिपोर्ट कार्ड का नंबर निकालना है, डेट वो निकालना है कि लाइक अगर एप्पल है तो एप्पल का क्या चार्जेस है, तो मैं वहाँ पे एप्पल सर्च करूँगा, एप्पल की भी डिटेल डाल दूंगा कि जो भी हो जाएगा, एप्पल की इमेज पुट करानी है, मैं चाहता हूँ जैसे राहुल, और राहुल की ना फोटो यहाँ पे पुट होके आ जाए, तो मैं वो लगा सकता हूँ, लगा गई हूँ एक बार ही। मैं चाहता हूँ कि ना कोई राहुल सर्च करे तो राहुल की फ़ोटो आ जाए, और फोटो तो मेरे पास पड़ी नहीं होगी, चलो किसी और की उठा लेते हैं। जेपी के पीछे क्यों पड़ा होता है? ये देखो यहाँ पे ये रहा मेरा लॉगिन का सेक्शन, में रख लेता हूँ इसको, मैं कंट्रोल वी इसको मैं वन कर देता हूँ, ये राहुल नाम देता हूँ इसका। मैं चाह रहा हूँ जब कोई सर्च करे तो राहुल की इमेज आ जाए, तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट में एक IMG लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक डिफ़ॉल्ट में इमेज लगा दी IMG SRC, वो SRC को मैं क्या करूँगा खाली छोड़ दूंगा। ID लगा दी इसकी मैंने लाइक फोटो, इसकी आईडी लगाई मैंने फोटो, ठीक है, इसे खाली छोड़ा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जब कोई राहुल सर्च करे तो आ जाए, तो हमने क्या करा यहाँ पे केस लगाया, फिर से केस कॉपी डॉक्यूमेंट, यहाँ लिखा राहुल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका नाम दिया राहुल, और डॉट स्टाइल डॉट SRC डॉट स्टाइल डॉट डॉट SRC इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा राहुल डॉट JPG, ठीक है। अभी जरा चेक करते हैं, यहाँ पे यही वाला था ना, यहाँ लिखा मैंने राहुल, तो जैसे ही मैंने सबमिट किया कुछ भी नहीं हुआ, तो आना तो चाहिए था राहुल ब्रेक डॉट SRC, अच्छा इसका नाम फोटो था आईडी का, ठीक है ठीक है। यहाँ से गए राहुल और सबमिट के बटन पर क्लिक किया, तो देखो फोटो आ गई, आया समझ में? तो लाइक आप क्या कर सकते हो, यानी जो भी सर्च कर रहे हो उसका फोटो लेके आनी है, तो आप इस तरीके से सर्च बार का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सर्च सेक्शन सेट कर सकते हैं। आया समझ में ना? तो स्विच केस, आज हमने स्विच केस को कवर किया, तो मैं क्या करना है इसके इससे रिलेटेड ना एक दो प्रोग्राम सोचने में, एक तुम्हें एक तरीका बताता हूँ क्या करना है तुम्हें।
कि ना एक ना ऑफर दिखाना है, ठीक है। एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट को तुम्हें यहाँ शो कराना है, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस होगा 1,000 रुपये। तुम्हें ना ये देना है कि अगर, और ये रहेगा परसेंटेज में, अगर थर्सडे है या आज फ्राइडे है, इस केस में क्या हो, प्रोडक्ट में 20% डिस्काउंट मिल जाए, वो 20% डिस्काउंट होके शो, ठीक है। तो ऐसे तरीके दिखाना है आपने, और ऐसे कट करके दिखाए कि आज इतना है तो 20% डिस्काउंट है। तो कट करने के, तुम्हें बता रखा है मैंने, DL टैग होता है, तो DL टैग से कट करके इतना दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है, एक ये बनाना है, एक बनाना है तुम्हें प्रोग्राम की ना ऐसा कुछ, अच्छा। इसमें तो क्या हो रहा है कि ना ऐसे यहाँ पे क्लिक करने पे इमेजेस आ रही है, तो मैं क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन बनाना है जिसपे सिलेक्ट करे तो उसी की लाइक इमेज आ जाए या कोई प्रोडक्ट आ जाए पूरे, वो दिखाने हैं। जैसे किसी ने क्या करा, वो सर्च किया, वो डाल दिया उसमें कि मोबाइल, तो जितने मोबाइल है मोबाइल आ जाए। किसी ने डाला कि वो सेक्शन की लाइक, किसी ने क्या करा, मोबाइल की जगह कार डाल दी, तो कार की सारी जितनी फोटो है वो आ जाए। तो इस तरीके से सेक्शन बनाने हैं, ये दो काम करना है तुम्हें, ठीक है। समझ में आ गया ना? पर पता है जावास्क्रिप्ट ऐसे कितना भी कर लो नहीं समझ में आएगी जब तक तुम खुद नहीं करके देखोगे, जब तक तुम प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे। प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है जावास्क्रिप्ट का। तो प्रोजेक्ट दे रहा हो ना तुमने, बना बना के दो। जैसे मैंने तुम्हें पहले दिया था कि ये टैब बार वाला के बना लिया तुमने, सबने पूरा बन गया था, तुम सबने बनाया किसी ने? जबकि क्लिक करे तो इसके क्या हो जाए, जिसपे क्लिक करे वो ऐसे अलग अलग फोटो आ जाए, इवेंट के नाम आ जाए। एक प्रोजेक्ट में तुम्हें ये दिया था, एक तुम्हें मैंने दे दिया अब ये सर्च वाला, कि सर्च करे वो प्रोडक्ट उठ के आ जाए, थोड़ा डिजाइन के साथ अच्छी तरीके से, ठीक है। ये बनाना, अच्छा।